हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JEE एग्ज़ाम इन्फो। फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कंबाइंड इंट्रांस कंप्यूटर एग्जामिनेशन बोर्ड ने हाल ही में एक नोटिस निकाला है, जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन 2020 रिजल्ट प्रेस कम्युनिक। ये जो है JEE मेन से जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे उसका स्टेट जो मेरिट लिस्ट होगा उसके बेसिस पे एक निकाला गया है, प्रेस रिलीज किया गया है नोटिस। तो उसमें क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, वो सब प्रोसेस कब से स्टार्ट है, वो सब से रिलेटेड इस नोटिस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिस को। क्या है, तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाएगा JEE बोर्ड द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेन रैंक जो हुआ रिजल्ट उसके आधार पर। तो क्या है, चलिए देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर इन्वाइटेड फॉर प्रिपेयरिंग ऑन द स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर कंडक्टिंग द काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ BE, BTech कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड स्टेट। लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक ईयर 2020-21 इज अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव बीन रैंक्ड। जो जो स्टूडेंट अप्लाई किए हैं वो वेबसाइट jcecb.jharkhand.gov.in के वेबसाइट में जाके आप वहाँ पर उसका वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, कॉलेज लिस्ट देख सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलोंग विद द वन ऑफ द केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बिजनेस स्टडीज एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स और 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी इन द अबव सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर एज पर AICTE अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक 2020-21। और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए क्या क्राइटेरिया है, फॉर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्राइटेरिया कैंडिडेट मस्ट हैव सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लोकल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड। द लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड हैज़ बीन डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइड इन 7A नीति सर्वविद्यालय बैठक, ये जो है 18 अप्रैल 2016 ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। द नोटिफिकेशन कॉपी इज अवेलेबल अंडर डाउनलोड कॉलम ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होगा वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए एंड इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कौन सा अथॉरिटी के, सर्कल ऑफिसर जो आपका है और सब डिविजनल ऑफिसर अनुमंडल पदाधिकारी एंड डिप्यूटी कमिश्नर जो है DC लेवल का वो होना चाहिए झारखंड स्टेट का। द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी एंड इन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी एंटरटेन एंड हिज क्लेम विल बी रिजेक्टेड। द लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इज अवेलेबल अंडर एक्ट एंड सर्कुलर कॉलम ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। नेक्स्ट जो है रिजर्वेशन ऑन कास्ट बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे क्या रिजर्वेशन है, इसका भी सेम पॉलिसी है। गवर्नमेंट झारखंड विल बी फॉलोड इन एडमिशन इन इंस्टीट्यूट्स। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन विल हैव टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज सर्कल ऑफिसर सब डिविजनल ऑफिसर SDO लेवल का और डिप्यूटी कमिश्नर DC लेवल का होना चाहिए झारखंड स्टेट का। द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी एंड इन अदर देन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी एंटरटेन फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन एंड हिज और क्लेम फॉर रिजर्वेशन विल बी रिजेक्टेड। उसका क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसका फॉर्म जो है, उसका रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एंड ऑल्सो BC1, BC2 जो क्रीमी लेयर होता है विल हैव टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाई BC1, BC2 कैंडिडेट्स विल हैव टू वैलिड ओनली इफ ही और सी डज नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर एंड इट शुड बी मेंशन्ड इन कास्ट सर्टिफिकेट। द नोटिफिकेशन कॉपी एंड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट इज अवेलेबल अंडर एक्ट एंड सर्कुलर कॉलम्स ऑन द बोर्ड वेबसाइट जो है jcecb.jharkhand.gov.in पे, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। एक्ट एंड सर्कुलर कॉलम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसका फॉर्मेट। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए, कैंडिडेट्स फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एज पर मेमोरेंडम दिस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट रांची। कैंडिडेट्स क्लाइमिंग रिजर्वेशन विल हैव टू अपलोड इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इन प्रॉपर फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सर्कल ऑफिसर सब डिविजनल ऑफिसर और डिप्यूटी कमिश्नर। ये सब किसी तीनों में से कोई एक अथॉरिटी का होना चाहिए, तब जाके उसका वैलिड होगा वो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज़ के लिए, PWD के लिए दिव्यांग कैंडिडेट्स कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एज पर मेमोरेंडम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट रांची। कैंडिडेट्स क्लाइमिंग रिजर्वेशन विल हैव टू अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपको वहाँ पे
जो प्रॉपर फॉर्मेट में है उसको दिखाना होगा, और चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बोर्ड एंड काउंटर साइंड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड ऑफ द हॉस्पिटल ऑफ झारखंड स्टेट। द कंसर्न मेमोरेंडम एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट इज़ अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। नेक्स्ट है जो रिजर्वेशन कोटा होता है, सर्विस मैन कोटा, SMQ कोटा में उसके लिए क्या है कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन ऑफ SMQ विल हैव टू अपलोड डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट आर्मी पर्सनल फॉर सर्विंग, पर्सनल डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाई जिला सैनिक कल्याण बोर्ड फॉर डिस्चार्ज, पर्सनल डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक सर्टिफिकेट एज पर देयर प्रेफरेंस कोड। नेक्स्ट क्या है रिजर्वेशन फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या हो, कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एज पर मेमोरेंडम डेट 28 June 2016 ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट रांची। द कंसर्न मेमोरेंडम इज अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूशन फी वेवर जो TFW स्कीम होता है उसके लिए, एज पर ACT नव दिल्ली 5% जो होता है सीट सुपर न्यूमरेली सीट्स आर अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स इन इच ब्रांच। फॉर दिस दे हैव टू अपलोड इनकम सर्टिफिकेट ऑफ अप टू ₹8 lakh इशूड बाय सर्कल ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर सिविल और डिप्टी कमिश्नर ऑफ झारखंड से ये होना चाहिए, या तो CO लेवल का, SDO लेवल का या फिर DC लेवल का, ये आपका होना चाहिए 8 लाख से नीचे का होना चाहिए सर्टिफिकेट, तब जाके आपको वहाँ पे TFW आप ले सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट। वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी और कोटा शुड क्लेम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड और स्कीम ओनली व्हेन दे आर ऑलरेडी पोजेस द कंसर्न सर्टिफिकेट इशूड इन द प्रॉपर फॉर्मेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो भी ले सकते हैं, बट उसका जो फॉर्मेट होगा इनकम का वो आपके पास रहना चाहिए, तब जाके उसको आप लाभ ले सकते हैं। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ऑन बोर्ड वेबसाइट jccb.jharkhand.gov.in बाय क्लिकिंग क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2020 टैब बाय फॉलोइंग द गिवन डायरेक्शन। क्या है डायरेक्शन, स्केड्यूल क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जो स्टार्ट होने वाला है वो होगा फ्रॉम 30 September to 8 October, इतना के इतना भी 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। एडिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स क्या है, 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर जो है 2020 12 अक्टूबर को। ऑब्जेक्शन ऑन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, किसी का कोई गलती हो जाता है एनोमली इन कैंडिडेट्स मेरिट रैंक, द एप्लीकेंट मस्ट इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ करेक्शन विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बाय ईमेल 13 अक्टूबर to 14 अक्टूबर अप टू 2 PM। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट 16 अक्टूबर। नेक्स्ट द फैसिलिटी ऑफ मॉक काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिफोर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फी, कैंडिडेट्स विल हैव टू पे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फी थ्रू पेमेंट गेटवे बाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग एज गिवन बिलो। क्या है जनरल EWS BC1 BC2 के लिए एप्लीकेबल फी जो काउंसलिंग का होगा या रजिस्ट्रेशन फी ₹500, SC ST फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी ₹250, ₹250। दिव्यांग ऑफ एनी कैटेगरी उसका कोई नहीं है ₹0। नेक्स्ट द रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड ओनली वंस, द फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन विल बी यूज फॉर डिफरेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग स्केड्यूल विल बी एडवर्टाइज शॉर्टली। इसमें क्या है कि एक बार जो आप रजिस्ट्रेशन आप करते हैं उसके बाद दोबारा फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो एक बार अच्छे से काउंसलिंग करना है और मार्क्स वगैरह जितना है डिटेल्स अपना फिल अच्छे से करना है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और कोई भी गलत ना हो, ताकि आपको मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको JCCB से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनेशन JCCB द्वारा कंडक्ट की जाती है उन सब का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग।